अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वॉचिंग द लॉ सेशन। हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं आज, इसमें हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे। इसकी हेडिंग है रिकवरी ऑफ अदर डिमांड्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर्स। के देखें, इसमें ये बताया गया है कि जो लैंड रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लेना होता है एग्रीकल्चरल लैंड से, ज़रई ज़मीन से, जो टैक्स लेने के अलावा दूसरी डिमांड्स हैं, दूसरे चार्जेस हैं, वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे रिकवर किया जाएगा, ये सारा कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 113। द हेडिंग इज रिकवरी ऑफ सर्टन एरियाज थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर्स इंस्टेड ऑफ बाय अ सूट। तो ये कह रहे हैं कि कुछ सर्टन एरियाज हैं, उनको कैसे रिकवर करेगा रेवेन्यू ऑफिसर दावा दायर करने के बजाय। व्हेन अ विलेज ऑफिसर रिक्वायर्ड बाय रूल्स अंडर सेक्शन 36, सेक्शन 36 हमने पढ़ के आए हैं, वो विलेज ऑफिसर से रिलेटेड है। अब उसके अंडर कुछ रूल्स भी बताए गए हैं, जो लैंड रेवेन्यू रूल्स हैं 1968 के। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन अ विलेज ऑफिसर, जो विलेज ऑफिसर है, रिक्वायर्ड बाय रूल्स अंडर सेक्शन 36 टू कलेक्ट एनी लैंड रेवेन्यू, कोई लैंड रेवेन्यू रिकवर करना है उसने, और सम रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, या तो लैंड रेवेन्यू को उसने रिकवर करना है या फिर कोई भी दूसरी अमाउंट है, कुछ सम ऑफ मनी है जो कि उसने रिकवर करने हैं एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। वो लैंड रेवेन्यू के बकाया जात नहीं है, लेकिन वो रिकवर ऐसे करने हैं जैसे लैंड रेवेन्यू को रिकवर किया जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया, देखें, व्हेन अ विलेज ऑफिसर रिक्वायर्ड बाय रूल्स अंडर सेक्शन 36 टू कलेक्ट एनी लैंड रेवेन्यू, कोई लैंड रेवेन्यू रिकवर करना है, और सम रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, नंबर वन, वो क्या करेगा, सेटिस्फाई ए रेवेन्यू ऑफिसर, वो विलेज ऑफिसर सेटिस्फाई करेगा रेवेन्यू ऑफिसर को दैट द रेवेन्यू और द सम हैज फॉलन ड्यू एंड हैज नॉट बीन पेड टू हिम, कि भाई जो लैंड रेवेन्यू था या जो कोई भी सम रिकवर करना था एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, वो ड्यू हो गया और पे नहीं किया गया, नंबर वन। बी, हैज कलेक्टेड सम सच रेवेन्यू और सम, या फिर उसने ऐसा लैंड रेवेन्यू या जो भी दूसरा सम ऑफ मनी है वो रिकवर तो कर ली है उस पर्सन से जिससे लेनी थी, बट हैज नॉट क्रेडिटेड द सेम टू द गवर्नमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द रूल्स, लेकिन उसने उसको कह लें आप सरकारी खजाने में नहीं जमा करवाया, जिससे लेने थे बकाया जात लैंड रेवेन्यू के या दूसरे जो भी हैं, वो ले तो लिए लेकिन उसने नहीं जमा करवाए अभी तक सरकारी खजाने में। द रेवेन्यू ऑफिसर मे सब्जेक्ट टू द रूल्स विच बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे मेक इन दिस बिहाफ, वो कह रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर फिर इस सिचुएशन में क्या करेगा, जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस मैटर से रिगार्डिंग रूल्स बनाए हुए हैं उनको जहन में रखते हुए, उनको सामने रखते हुए, रिकवर सच रेवेन्यू और सम फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम होम इट इज़ ड्यू, कि जिस पर्सन से ये रेवेन्यू या सम ड्यू है उससे रिकवर करेगा वो रेवेन्यू ऑफिसर, यही काम होना है ना। देखें, लैंड रेवेन्यू ड्यू था या कोई दूसरा सम रिकवर करने थे, ड्यू थे नहीं पे किए गए, तो रेवेन्यू ऑफिसर ने क्या करना है, उसने उनको रिकवर करना है। और द विलेज ऑफिसर बाय होम इट वाज कलेक्टेड एज द केस में भी, या फिर वो विलेज ऑफिसर जिसने वो कलेक्ट तो कर लिए हैं उस पर्सन से लेकिन आगे सरकारी खजाने में नहीं जमा करवाए, उससे रिकवर करने है। ये दोनों काम फिर रेवेन्यू ऑफिसर ने ये करने हैं एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ऐसे ही रिकवर किया जाएगा जैसे रेवेन्यू के लैंड रेवेन्यू के बकाया जात को एरियर को रिकवर किया जाता है। तो सिंपल सी सेक्शन 113 में कहा गया कि लैंड रेवेन्यू या उसके अलावा दूसरी जो भी सम ऑफ मनी है, जो चार्जेस हैं, वो अगर ड्यू है पे नहीं किए गए या फिर विलेज ऑफिसर ने उनको रिकवर कर लिया आगे पे नहीं किया सरकार को, तो इस सिचुएशन में रेवेन्यू ऑफिसर सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन दिस बिहाफ, वो क्या करेगा, वो उनको रिकवर करेगा उस पर्सन से जिस पे ड्यू थे और उसने पे नहीं किए, या फिर वो विलेज ऑफिसर जिसने पे नहीं किए रिकवर करने के बाद। सेक्शन 114, अदर सम्स रिकवरेबल एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे इसमें बताया गया कि वो कौन से अदर सम्स ऑफ मनी होंगे जो रिकवर किए जाएंगे एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इन एडिशन टू एनी सम्स रिकवर एज
area of the land revenue under this act or any other enactment for the time being in force, the following sums may be so recovered. वो कह रहे हैं कि एक बात तो होगी लैंड रेवेन्यू जो के पे करना था वो होता है, हर एग्रीकल्चरल लैंड पे रेवेन्यू गवर्नमेंट को पे करना होता है जिसको रिकवर करने के तरीके हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं वो, और दूसरे ऐसे सम्स जिनको रिकवर करना है एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब वो कह रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट में, इस एक्ट में या किसी भी दूसरे एक्ट में, सीपीसी में बहुत जगह पे आ जाता है कि ये फाइन ये पर्सन पे करेगा, अगर वो पे नहीं करता तो इनको रिकवर ऐसे किया जाएगा जैसे लैंड रेवेन्यू के एरियर को रिकवर किया जाता है। तो इस एक्ट के अंडर या किसी भी दूसरे एक्ट के अंडर अगर कहीं पे ये कहा गया कि कोई सम ऑफ मनी है उसको रिकवर किया जाएगा एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, इन दोनों के अलावा ये वो बता रहे हैं कि ये फॉलोइंग ये भी सम्स हैं जो कि रिकवर किए जाएंगे एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। देखें दोबारा से, इन एडिशन टू किसकी, एनी सम्स रिकवरेबल एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर दिस एक्ट और एनी अदर इनएक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द फॉलोइंग सम्स मे बी सो रिकवर्ड, ये नीचे वाली जो लिस्ट बताई गई है इसमें जो बातें बताई गई हैं वो भी रिकवर किए जाएंगे एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। नंबर वन, फीस, कोई भी फीस हो, फाइन्स हो, कोई कॉस्ट हो और अदर चार्जेस इंक्लूडिंग द विलेज ऑफिसर सेस पेएबल अंडर दिस एक्ट, तो ये भी रिकवर ऐसे ही किए जाएंगे जैसे एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। बी, रेवेन्यू ड्यू टू गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ पास्चर और अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ लैंड, कि ऐसे ड्यूज जो जिनके रेवेन्यू, जिनकी आमदन ड्यू हो गवर्नमेंट को दी जानी हो किसी भी लैंड ज़मीन की, कोई चरागाह या उसकी जो भी कोई नेचुरल प्रोडक्ट है उसकी वजह से अगर कोई आमदन है, कोई रेवेन्यू पे करना है गवर्नमेंट को तो उसको रिकवर किया जाएगा। और ऑन अकाउंट ऑफ मिल्स फिशरीज, ये वो फिशरीज होती है ना वो मछलियाँ वगैरह उनका, और नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर या जो भी दूसरी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वाटर की उनसे कोई रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाना है तो वो भी रिकवर किया जाएगा। और ऑन अकाउंट ऑफ अदर राइट्स डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 49 और सेक्शन 50 इन केसेस इन विच रेवेन्यू सो ड्यू हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द असेसमेंट ऑफ एन स्टेट। अब ये सेक्शन 49 और सेक्शन 50 में हम वो मिनरल एंड माइंस का हम पढ़ के आ रहे हैं सारा के उसके वो सारे सारा कुछ ही गवर्नमेंट को जाना होता है तो ये उसको भी इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी रेवेन्यू जो कि किसी लैंड की नेचुरल प्रोडक्ट से हो, किसी वाटर की वजह से, कोई फिशरीज, कोई फिर उसके अलावा मिल्स वगैरह या सेक्शन 49-50 में जो बताए गए हैं गवर्नमेंट को ड्यूज जाने हैं वो भी रिकवर इसी प्रोसीजर एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकवर किए जाएंगे। फिर उसके अलावा सी, फीस, अब ये कोई फीस है पेएबल अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स फॉर द यूज और बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, कोई भी फीस जो कि पे करनी हो फॉर कोई अगर बेनिफिट वगैरह लिया गया किसी कंस्ट्रक्शन की वजह से या रिपेयर ऑफ एम्बैंकमेंट या ये बंद वगैरह होते बनाए जाते हैं ना उनकी वजह से, उनकी रिपेयर की वजह से कोई बेनिफिट वगैरह लिए जा रहे हो उनकी जो फीस हो, और एंड वर्क्स फॉर सप्लाई स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेज, अब ये वो नहरों का अभियाना वगैरह भी होता है वो सारा कुछ भी यहाँ पे आ गया, यानी पानी ज़रई ज़मीनों को पानी तो चाहिए होता है ना, अब ये वाटर से रिलेटेड जितनी भी फीसेज होंगी बंद बनाने की, बंद का उनको रिपेयर अगर किया गया उसके कोई फीस वगैरह कोई चार्जेस वगैरह तो वो सारे भी इसमें इंक्लूडेड है, ये भी पे किए जाएंगे लैंड रेवेन्यू के अलावा, ये भी रिकवर किए जाएंगे इन्हीं प्रोसीजर्स के अंडर। एंड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ सॉलिड एंड ड्रेनेज एंड रिक्लेमेशन ऑफ स्वैम्प्स, अब ये वो यहाँ पे कह रहे हैं इसके अलावा बहाली करनी हो किसकी सॉलिड, किसी सॉलिड की, किसी ड्रेनेज सिस्टम की, रिक्लेमेशन ऑफ स्वैम्प्स, को स्वैम्प्स होती है वो दलदल वगैरह होती है यानी ज़मीन की को बहाली वगैरह करने पर जो भी फीस वगैरह है वो सारा कुछ भी यहाँ पे अदर सम्स में आएगा, इसको रिकवर किया जाएगा अंडर सेक्शन 114। उसके बाद डी, सम्स लेवीएबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज वाटर रेट्स, अब ये वही बात आ गई अभियाना वगैरह वाटर रेट्स के, जो ज़मीनों को नहरी पानी लग रहा है उसके बकायदा पे किए
पेमेंट होती है गवर्नमेंट को, तो यही कह रहे हैं सम्स लेवियबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एज वाटर रेट्स और ऑन अकाउंट ऑफ मेंटेनेंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ कैनाल, ये नहरों का जो मेंटेनेंस वगैरह की जाती है उसके जो भी सम्स हैं, एम्बैंकमेंट और अदर इरीगेशन वर्क नॉट बींग सम रिकवरेबल एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बींग इनफोर्स, तो ये सारा कुछ भी इसमें इंक्लूड है, तो ये इनको भी रिकवर किया जाएगा। ई सम्स पेएबल टू द गवर्नमेंट बाई अ पर्सन हु इज श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोर गोइंग सम्स, किसी वो ये सम्स रिकवर किए जाएंगे पेएबल टू द गवर्नमेंट बाई अ पर्सन, किसी पर्सन की तरफ से जो कि श्योरिटी था इन सारी पेमेंट्स का, कि ये किसी पर्सन ने श्योरिटी दे दी कि जी ये सारी पेमेंट्स की जाएंगी, उससे रिकवर किया जाएंगे, और एनी अदर सम रिकवरेबल एज एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और इसके अलावा और भी जितने हो सकते हैं वो भी रिकवर किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 114 में सिंपल ये कहा है कि जो लैंड रेवेन्यू है उसके एरियर वगैरह, फिर जो कहीं किसी और लॉ में अगर कहा गया है कि किसी सम को एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जाएगा, तो वो उसके अलावा ये सारे काम जो है ये भी रिकवर किए जाएंगे ऐसे ही जैसे एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू रिकवर किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 115 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर 8 टू सम्स रिकवरेबल अंडर दिस चैप्टर, वो कह रहे हैं कि ये जितने भी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना, ये सेक्शन 114 में भी 13 में भी, इन सब को वो कह रहे हैं कि कैसे रिकवर किया जाएगा। ये चैप्टर 8 जो हम इससे पहले पढ़ के आए हैं जिसमें काफी सारे प्रोसीजर्स बताए गए थे, पहले नोटिस दो, फिर उसके बाद अरेस्ट कर लो, फिर उसकी जो होल्डिंग है जमीन है उसको अटैच कर लो, सेल कर दो, होल्डिंग ट्रांसफर कर दो, उस ये सारा कुछ चैप्टर 8 वाला यहाँ पे वो कह रहे हैं अप्लाई करेंगे। ये जितने भी सम्स हैं ना जिनको हमने रिकवर करना है हम इनको कर सकते हैं। देखें सब सेक्शन 1, द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 शेल विद रिस्पेक्ट टू एनी सम मेंशनड और रेफर टू इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वो कह रहे हैं ये जितनी भी हम बातें पढ़ के आ रहे हैं इन सम्स को रिकवर करने के लिए चैप्टर 8 अप्लाई सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल, तो जिस अगर वो एप्लीकेबल जिस हद तक किए जा सकते हैं हम उस चैप्टर 8 वाले मोड्स को रिकवरी करने के लिए हम अप्लाई करेंगे। चैप्टर 8 अप्लाई होगा जितना वो एप्लीकेबल हो सकता है इन एरियाज को रिकवर करने के लिए, एज इफ द सम वर एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ऐसे ही जैसा कि ये एरियर ये जो सम्स है ये एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, वही बात वो कह रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट ने अपने पैसे नहीं छोड़ने जो मर्जी हो जाए, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कितने मोड्स उन्होंने बताए हैं तो वो रिकवर करने। अब यहाँ पे कह रहे हैं ये चैप्टर 4 ये चैप्टर 9 वाले जितने सम्स है ना इसको भी चैप्टर 8 को हम यूज करेंगे और उसके मोड्स को हम अडॉप्ट करेंगे, हम इनको रिकवर करेंगे, यही कह रहा है। एंड द पर्सन फ्रॉम होम ईदर अ प्रिंसिपल और एज अ श्योरिटी इट इज ड्यू वर अ डिफॉल्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एन एरियर, ये वो यही कह रहे हैं कि हम उस पर्सन से रिकवर करेंगे जो प्रिंसिपल है जिसने देने हैं ये सम्स लेकिन वो नहीं दे रहा, या उसका अगर कोई श्योरिटी है जो कि हम पीछे भी पिछले सेक्शन में पढ़ के आ रहे हैं वो जो श्योरिटी है हम उससे चैप्टर 8 को यूज करते हुए हम उससे रिकवर करेंगे। सब सेक्शन 2, अनलेस एनी सच सम इज डिक्लेयर्ड बाय एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू बी रिकवरेबल एज इफ इट वर एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड चार्ज देयर विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 90 शैल अप्लाई अंडर सब सेक्शन 1 टू द रिकवरी देयर ऑफ। अच्छा, ये जो सबसेक्शन 2 है ये कनेक्टेड है सबसेक्शन 1 से 115 के। 115 में हमें बताया गया था कि इस चैप्टर के अगर इस चैप्टर में जो सम्स बताए जा रहे हैं उनको रिकवर करना है तो चैप्टर 8 में जो मोड्स बताए गए हैं उनको एज प्रैक्टिकेबल वो है उनको अप्लाई करके तो उस डिफॉल्टर से या उसका जो भी श्योरिटी है उससे रिकवर किया जाएगा इन सेप्स इन सम्स को जो ये चैप्टर नंबर 9 में रिकवर करने, ये क्लियर बताया गया था। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है अनलेस अगर किसी दूसरे लॉ ने जो इस वक्त इन फोर्स है उसने कहा हो कि इन सम्स को रिकवर करना है तो वो फिर सेक्शन 90 जिसमें ये कहा गया था कि उस डिफॉल्टर की जो अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी है
उसको अटैच और सेल करके रिकवर किया जाएगा, तो फिर उस सूरत में सेक्शन 90 के थ्रू इनको रिकवर किया जाएगा। देखिए मैं दोबारा कहता हूँ, सेक्शन 115 सिंपल बात, जो सम्स इस चैप्टर में बताए गए हैं उनको रिकवर, आप जो लास्ट चैप्टर था चैप्टर 8 उसमें जो तरीके बताए गए थे उनको अडॉप्ट करके डिफॉल्टर या उसके श्योरिटी से हम रिकवर कर सकते थे। सब सेक्शन 2 में ये कह दिया गया कि अगर कोई और लॉ है, कोई स्पेशल इनैक्टमेंट है, देखिए अनलेस एनी सच सम इज डिक्लेयर्ड बाय एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी दूसरे लॉ ने जो कि इस वक्त इन फोर्स है उसमें अगर ये कहा गया है कि इन सम्स को रिकवर करना है एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, तो उस सूरत में सेक्शन 90 उसके थ्रू रिकवर किया जाएगा। अब उसमें क्या था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच करके और उसके थ्रू किया जाएगा रिकवर। तो ये था सेक्शन 115। सेक्शन 115A, चार्जेस फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज अदर देन द प्रोविंशियल ड्यूज एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अच्छा, इसमें क्या क्या कहा गया, वेयर एनी सम, जहाँ पे कोई भी सम जो कि इस चैप्टर के अंडर अगर रिकवर किया गया, वेयर एनी सम अदर देन अ सम विच इज टू बी क्रेडिटेड इनटू और टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। अब ये पुराना लॉ है, 1967 में ये आया था, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था, ये उस वक्त की बातें हैं, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी सम अगर तो उसने वेस्ट पाकिस्तान के जो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाना था, उसमें क्रेडिट नहीं होना था, वो उसका पार्ट नहीं है, ये जो भी सम चैप्टर 9 में जो हम पढ़ के आए हैं इसमें जितने भी सम्स हैं उन्होंने अगर तो वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का वो पार्ट नहीं थे, उसमें क्रेडिट नहीं होना था, तो दूसरी सूरत वेयर एनी सम इज कलेक्टेड एज एन एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन उनको कलेक्ट किया गया इस चैप्टर के अंडर, अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑफ द सम कलेक्टेड शैल बी डिडक्टेड देयर फ्रॉम एज रिकवरी चार्जेस। तो फिर क्या होगा इस सूरत में, इस सूरत में ये होगा कि वो जो सम रिकवर किया गया उस पे से 2% की डिडक्शन होगी एज रिकवरी चार्जेस, एंड द अमाउंट ऑफ सच कमीशन शैल बी क्रेडिटेड इनटू द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। तो फिर उसका जो ये 2% डिडक्ट किया गया चार्जेस कमीशन रिकवरी चार्जेस के, उसको जो वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंशियल जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें क्रेडिट करवा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर कोई सम जो चैप्टर इस चैप्टर के अंडर रिकवर किया गया अगर तो उसने डायरेक्टली नहीं जाना था, क्रेडिट नहीं होना था वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में, वो उसका पार्ट नहीं था लेकिन उसको रिकवर किया गया इस चैप्टर के अंडर, फिर उस पर 2% की डिडक्शन कर लेंगे रिकवरी चार्जेस की, और ये जो डिडक्शन होगी इसको फिर क्रेडिट कर दिया जाएगा उसमें वेस्ट पाकिस्तान के प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 को करेंगे, सर्वेज एंड बाउंड्रीज। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।